नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दर्शकों और किसानों की असीम प्रेम से डीडी किसान चैनल आज मना रहा है अपना 9वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए 26 मई 2015 को कृषि एवं किसानों को समर्पित डीडी किसान चैनल का किया था उद्घाटन। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं की खरीद पिछले साल की कुल 262.02 लाख टन से अधिक। गेहूं किसानों को मिला बड़ा फायदा। गेहूं खरीदी में पंजाब और हरियाणा के किसानों का रहा है बड़ा योगदान। जायद फसलों से किसान कमा सकते हैं बेहतर मुनाफा। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। वे रबी और खरीफ फसलों के बीच थोड़े समय के लिए उगाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जायद फसलों का रकबा हुआ दोगुना। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल का दिखने लगा असर। चक्रवात के बांग्लादेश और बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका। कोलकाता एयरपोर्ट पर दोपहर बाद से उड़ानें निलंबित। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। और अब समाचार विस्तार से। 26 मई को डीडी किसान चैनल अपना 9वां जन्मदिन मना रहा है। दूरदर्शन ने 26 मई 2015 को कृषि के लिए एक अलग समर्पित चैनल डीडी किसान को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चैनल उद्घाटन किया था, जो किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया था। चैनल का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे अपनी फसलों की बुआई, कटाई और बिक्री के संबंध में जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकें। किसानों को मौसम मंडी की कीमतों और सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के संबंध में शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। ये भारत और विदेशों में कृषि में किए गए नवीनतम शोध के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, ताकि किसान इससे लाभान्वित हो सकें। और किसान हित पर काम करते हुए एक बार फिर से सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, इस बार सरकार के द्वारा गेहूं की बंपर खरीद की गई है। केंद्र का कहना है कि विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं की खरीद पिछले साल की कुल 262.02 लाख टन से अधिक हो गई है। और खास बात यह है कि इस बार गेहूं खरीदी में पंजाब और हरियाणा के मजबूत योगदान को बढ़ावा मिला है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से 22.31 लाख किसानों को लाभ हुआ है। सरकार ने इसके लिए एमएसपी के जरिए प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जगलपुर के मुताबिक उपजाऊ भूमि एवं सिंचाई के पर्याप्त साधन होने के कारण जायद के मौसम में लगातार फसलों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिले में जायद फसलों का रकबा लगभग दोगुना हो गया है। गर्मियों के दौरान जिले में पहली बार एवं तिल एवं मूंगफली की खेती की गई है। मूंग एवं उड़द जबलपुर जिले की प्रमुख जायद फसलें हैं। जिले में किसानों द्वारा करीब 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग तथा लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द की बोनी की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष तिलहन फसलों का रकबा भी बढ़ने का प्रयास किया गया है। जायद फसलों के अंतर्गत पहली बार शहपुर विकास खंड में किसानों द्वारा 350 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोनी भी की गई है। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। वे रबी और खरीफ फसलों के बीच थोड़े समय के लिए उगाई जाती हैं। और फालसा एक ऐसा फल है जिसे गर्मियों में ज्यादा पसंद किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि फालसा देश के सबसे पुराने स्वदेशी फलों में से एक है। पौष्टिकता से भरपूर इस फल की गर्मियों में बहुत मांग रहती है, और इसका ताजा और ठंडा पेय बहुत ही प्रचलित है। और अगर किसान इसकी खेती करे तो इसकी खेती में लागत बहुत कम होती है और उपज अधिक होती है, जिससे किसान भाई इसकी खेती कर अच्छी उपज प्राप्त कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और देश में इस फसलों की खेती
आपको बता दें कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमालय क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से की जाती है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में फालसे को छोटे स्तर पर उगाया जाता है। फालसे की अच्छी उपज वाले क्षेत्र वह होते हैं जहाँ विशिष्ट गर्मी और सर्दियों का मौसम पाया जाता है और फलों के पकने, रंग के विकास और फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त धूप और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। फालसे को लगभग सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन पौधों के अच्छे विकास और अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। भूमि से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और फालसे का पौधा रोपण जून जुलाई महीने में मानसून के मौसम में किया जाता है और इसके पौधों को अधिक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फालसे की खेती ज़्यादा खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोबर की सड़ी हुई खाद फालसे की खेती के लिए वरदान के रूप में साबित होती है। किसानों के लिए बस ये ध्यान देने की बात है कि फालसा थोड़ा नाजुक फल होता है जो जल्दी ख़राब होने लगता है और इसीलिए किसानों को इसके तोड़ने के लिए फलों को 24 घंटे के अंदर ही उपभोग कर लेना चाहिए या बाजार में बेच देना चाहिए। और मधुमक्खियां मनुष्य और प्रकृति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे ये परागण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसके अलावा बाजार में मिलावटी शहद की मौजूदगी ने मानव स्वास्थ्य के लिए स्थिति को बदतर बना दिया है। शहद को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, लेकिन मिलावट के गंभीर परिणाम होते हैं और इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले। अक्सर आपने अलग अलग जानवरों को गोद लेने की बात सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि आप मधुमक्खी को भी गोद ले सकते हैं और उससे मिलने वाले शुद्ध शहद को अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है पंचामृत में शहद भी शामिल होता है जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है और इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। ये युवा मानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के अलावा वो ऐसे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जिससे जनता को फायदा हो। उनके शोध ने मधुमक्खी पालन और शुद्ध शहद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें मधुमक्खी की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर उनका स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उनमें क्या बदलाव हो रहा है, साथ ही किसान को पॉलिनेशन में कितना फायदा हुआ इसकी जानकारी मिल पाएगी। जो भी मधुमक्खी को गोद लेना चाहते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होगा और उसके 7 दिन के अंदर हम इस जानकारी का पता लगाएंगे कि गुजरात के किस बी कीपर की किस हाईवे को गोद लेने के लिए बी हाइव को सुधारने की जरूरत है और उसके नई तकनीक के सहारे तैयार किया जाएगा। इन लोगों ने बाकायदा शहद की खेती का प्रशिक्षण लिया। एक छोटी सी शुरुआत के साथ एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ ये काम अब अन्य स्थानीय लोगों के लिए एक केस स्टडी बन गया है और इससे एक स्थिर आय उत्पन्न हो रही है। कई लोग जो रेगुलर तौर पर शहद का इस्तेमाल करते हैं वो अपने मधुमक्खी पालन और उससे बनने वाले शहद की मॉनिटरिंग भी खुद कर सकते हैं और बिना किसी संदेह के उसकी शुद्धता को परख सकते हैं। कहीं शहद में कॉफी का स्वाद तो कहीं जामुन, अजवाइन और अलग अलग फूलों के रस से बनने वाले फ्लेवर भी आजकल लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर स्वाद भी दे रहे हैं। आजकल लोग हर चीज में अलग अलग फ्लेवर का स्वाद चाहते हैं, तो हम भी उन्हें शहद में भी अलग अलग स्वाद दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को पसंद आने वाला लीची फ्लेवर, जामुन, साथ ही नीलगिरी के फूलों का शहद भी लोगों को पसंद आ रहा है। अजवाइन फ्लेवर जो अजवाइन के फूलों से बनता है वो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अपनी नई सोच और खुद पर भरोसा रखकर इन युवाओं ने अपनी सफलता की कहानी लिखी है। ये लोग आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है
वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले ले। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे देश में जहां एक और लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया के कई अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित देश बुल्गारिया पूरी दुनिया में गुलाब के तेल का प्रमुख उत्पादक है। बुल्गारिया के गुलाब अपनी अनोखी खुशबू के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर बुल्गारिया में गुलाब की खेती पर भी पड़ा है। बुल्गारिया के चेरगा नोवा गांव की वादियों में खूबसूरत गुलाब खिले हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से गुलाब की गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। बाल्कन देश बुल्गारिया के खूबसूरत गांव चेरगा नोवो में सुंदर वादियों के बीच गुलाब की फसल लहलहा रही है। बुल्गारियाई किसान विश्व भर में प्रसिद्ध गुलाब के तेल के लिए गुलाब की पंखुड़ियों की कटाई में व्यस्त हैं, लेकिन इस बार यह फसल एक महीने पहले तैयार हो गई। कारण है जलवायु परिवर्तन की मार। लेकिन यह प्रक्रिया देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही बारीकियों और कठिनाइयों से जुड़ी हुई है। 1 ग्राम गुलाब के तेल के लिए 1,000 से अधिक गुलाब की पंखुड़ियों को हाथ से तोड़ना पड़ता है। ऐसे में 2 से 3.5 टन गुलाब का तेल हर साल बनाना टेढ़ी खीर है। गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़े जाने का सबसे सही समय सुबह 7 बजे का होता है। सुबह के समय में पत्तियों में तेल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिससे तेल निकालने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। सुबह के समय तापमान कम होता, शाम के समय पंखुड़ियां आपस में चिपक जाती हैं। ऐसे में सुबह का समय सबसे सही होता है। इस बार हमने अपने काम की शुरुआत हर बार के मुकाबले में पहले की है। हमने पहले भी ऐसे साल देखे हैं जब फसल समय से पहले पक गई। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के समय में बाल्कन क्षेत्र में थ्रेस का प्राचीन साम्राज्य था। इतिहासकार मानते हैं कि तब से यहाँ पर गुलाबों की खेती होती है। साल 1820 में चेरगानोवो गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर कजानलॉक शहर में गुलाब के तेल के उत्पादन के लिए पहला कारखाना खोला गया। सर्दियों के समय में तापमान अधिक होने से और मार्च का महीना बहुत गर्म होने के कारण गुलाब की कलियाँ जल्दी खिलने लगी हैं। इन गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल पूरे विश्व में कॉस्मेटिक के उत्पादों समेत गुलाब जैम, गुलाब चाय, गुलाब ब्रांडी बनाने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन का गुलाब की गुणवत्ता पर गहरा असर होता है। ऐसे में आगे तापमान बढ़ता है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ और तेल की गुणवत्ता पर असर होगा। 1947 में जहाँ यहाँ कलियाँ 10 जून के आसपास खिलती थी, अब वह मई के महीने में ही खिलने लगी हैं। जलवायु परिवर्तन का असर न केवल गुलाब के तेल पर होगा, बल्कि इसके कारण अन्य सभी पेड़ों की प्रजातियों पर असर पड़ सकता है। हमें अब मौसम के अनुसार ढलना चाहिए। मौसम को बदलने के जो प्रयास हो रहे हैं, उनका असर खतरनाक होगा। कभी रंगों से भरी जीवंत रहने वाली थाईलैंड के पूर्वी खाड़ी तट की कोरल रीफ अब कोरल ब्लीचिंग के चलते सफेद हो गई है। यह सब जलवायु परिवर्तन के चंद उदाहरण मात्र हैं, लेकिन यह संकेत हैं हमें सचेत होने की जरूरत है। और आगे बढ़ते हैं, जहां मानव दूध यानी के मां के दूध और उससे बने उत्पादों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सरकार सख्त फैसला लिया है। मानव दूध के अनधिकृत कमर्शियल इस्तेमाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय की इकाई खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी के FSSAI ने एडवाइजरी जारी की है। FSSAI ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यवसायीकरण के संबंध में कई पंजीकृत समितियों के पत्र मिले हैं और देश की इस अहम कानूनी संस्था ने यह स्पष्ट कर दिया है कि FSSAI अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत मानव दूध बेचना गलत है। प्राधिकरण के मुताबिक इस कानून के तहत मानव दूध के प्रसंस्करण और बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है और इसीलिए मानव दूध और उसके उत्पादों के कमर्शियल इस्तेमाल को तुरंत रोका जाए। और साथ ही FSSAI ने चेतावनी भी दी है कि किसी भी उल्लंघन के मामले से सख्ती से निपटा जाएगा
और ऐसा करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी के एफबीओ के खिलाफ कार्रवाई तुरंत शुरू की जा सकती है। प्राधिकरण ने राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को भी कहा है कि मां के दूध के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल एफबीओ का ना तो पंजीकरण किया जाए और ना ही उन्हें कोई लाइसेंस मिले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र अब से कुछ घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान रेमल में बदल जाएगा। ये आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा और इस दौरान अगले चार दिन तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट को अगले 21 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है और किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की संभावना है और चक्रवात रेमल अगले कुछ घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा, लेकिन अब इसका असर जमीन पर दिखने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मंदारमणि और दीघा इलाके में मौसम बदलने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर में भारी बारिश शुरू हो गई है और रेमल के आज मध्य रात्रि के करीब बांग्लादेश और आसपास के पश्चिमी बंगाल तटों के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होने की आशंका है। हम लोगों को अलर्ट कर रहा है, कल से आज ही ज्यादा है अलर्ट कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके चलते राजस्थान के फलौदी में शनिवार को पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पारा 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। तो वहीं बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और असम के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 27 मई को हीट वेव से लेकर भयंकर हीट वेव चलने की संभावना जताई है और साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है। और किसान समाचार में आप जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 100 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई। यहां 24 मई को टमाटर का भाव 900 रुपए था, जो 25 मई को 800 रुपए पर आ गया। राज्य की जोधपुर मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहां 24 मई को टमाटर का भाव 1300 रुपए था, 25 मई को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 1200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 24 मई को टमाटर का भाव 880 रुपए था, जो 25 मई को 30 रुपए घटकर 850 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि गुजरात की सूरत मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहां 24 मई को टमाटर का भाव रहा 1050 रुपए, 25 मई को इसमें 250 रुपए की तेजी आई और ये भाव 1300 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 24 मई को उड़द का भाव 9900 रुपए था, जो कि 25 मई को 150 रुपए लुढ़क कर 9750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 मई को उड़द का भाव 9280 रुपए प्रति क्विंटल था,
25 मई को 60 रुपए भाव चढ़कर 9,340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 मई को उड़द का भाव था 8,910 रुपए, 25 मई को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 8,915 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 24 मई को उड़द का भाव 9,200 रुपए क्विंटल था, 25 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 9,200 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण के किसान इस समय तैयार धान की कटाई और मूंगफली की खुदाई करें, इसके साथ ही यहां आम और तरबूज की तुड़ाई भी कर लें। कोंकण में ही किसान खरीफ धान और रागी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा सब्जियों की नर्सरी भी तैयार कर लें। कोंकण में इस समय सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान हाल ही में खुदाई की गई प्याज और मूंगफली को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यही तैयार आम की तुड़ाई करके भी किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही बागों और सब्जियों के खेतों में छोटे पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दें। यही सुबह और शाम के समय मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में हल्की लेकिन निरंतर सिंचाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय केला, पपीता और आम के बागों में मल्चिंग करें। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ मूंगफली और हल्दी की खुदाई के अलावा तिल की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय सब्जियों और फलों की तुड़ाई कर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं विदर्भ के किसान तैयार धान और मूंग की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई भी कर लें। यहीं इस समय बागों और सब्जियों में सिंचाई करें। विदर्भ में ही किसान खरीफ फसलों के लिए प्रारंभिक जुताई का काम जारी रखें। तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में दो बार बोया जाता है, यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दो किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। एक हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है।
इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय एक हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है, ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। खुटार थाना क्षेत्र में पूर्णागिरी दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं के ढाबे पर खड़ी बस के ऊपर गिट्टी से भरे ट्रक के पलट जाने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग के नतीजे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात भीषण आग में 6 नवजातों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के 318 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी राज्य में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के दौरान हिंसा और तनाव के संबंध में हुई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफताब ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मीडिया पर साधा निशाना। कहा कि हम किसानों और मजदूरों की बात करते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं कि हम किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और किसान में आज के लिए बस इतना ही, अनुमति दें, नमस्कार। अदानी जी के हम बदलते भारत की शान।